नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। हमेशा की तरह दोस्तों फिर लेकर आया हूँ एक शानदार वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर 8000 लमसम पद के लिए ये जो वैकेंसी थी जो मेरिट बेस पे होने वाली थी, इससे जुड़ी बहुत बड़ी खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। ये खबर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग नर्सिंग ऑफिसर और CHOs की पोस्ट के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 जो कोर्ट में चली गई है दोस्तों, अब उसका क्या होने वाला है, उसका फ्यूचर हम आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तों। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए, लिंक मैंने वहां पर प्रोवाइड करवा दिया है। तो दोस्तों क्या अब एग्जाम हो सकता है? तो दोस्तों ये जो एक कोर्ट केस इसके अंदर लगा है जो कि सप्लीमेंट्री कोर्स लिस्ट फिल्टर्ड है, वेडनेसडे 12/7/2023 को कोर्ट नंबर 2 होनरेबल मिस्टर जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो है वो है इसके अंदर जस्टिस, और एक है जो है प्रवीर भटनागर। तो दोस्तों ये दोनों की देखरेख में ये केस चलेगा और CW ये दायर हुआ है 1867/2023, केस नंबर है भरत बेनीवाल द्वारा ये केस लगाया गया है दोस्तों। एडवोकेट भी इन लोगों ने अरविंद कुमार शर्मा जिनको हायर किया है और एक आनंद शर्मा को इन लोगों ने हायर किया है। तो दोस्तों ये केस किस मामले के अंदर है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो भर्ती है राजस्थान की जो मेरिट बेस के ऊपर ली जा रही है तो इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी के लिए 20 जुलाई तक एक बार रोक लगा दी है। इसकी हियरिंग होती रहेगी और हियरिंग में अभी दोस्तों आगे डेट और भी बढ़ा सकते हैं, तो हो सकता है 20 जुलाई से आगे भी बढ़ जाए। और दोस्तों जैसे ही राजस्थान के अंदर कोई वैकेंसी आती है उसके अंदर उसको कोर्ट में ले जाने का काम वहाँ के कैंडिडेट्स बहुत जल्दी कर देते हैं। इससे दोस्तों ना तो ये मेरिट बेस वैकेंसी कंप्लीट होती है ना ही ये वैकेंसी एग्जाम बेसिस पे कंप्लीट होती है। तो दोस्तों जहां तक अगर देखा जाए तो इसका फ्यूचर कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये वैकेंसी किसी भी प्रकार से जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं उस हिसाब से ऐसा है कि ये कंप्लीट होगी ही नहीं, क्योंकि दोस्तों आचार संहिता राजस्थान के अंदर लगने वाली है, चुनाव है और चुनाव के बाद नई गवर्नमेंट बनेगी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद इस वैकेंसी को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। फिर नई गवर्नमेंट जो आएगी फिर 1000-2000 पद इसके अंदर बढ़ा के और नेक्स्ट फिर जो चुनाव का जो समय होगा उस समय फिर इस वैकेंसी को रिलीज करेगी और फिर ये कोर्ट में जाती है। तो दोस्तों ऐसा करते करते काफ़ी साल बीत गए हैं और फिर से ये जो वैकेंसी है ये कोर्ट में चली गई है। तो दोस्तों देखना ये है कि कोर्ट 20 तारीख तक का इसको इसके अंदर स्टे लगाया है, तो उसके बाद इसके अंदर इस वैकेंसी में क्या होता है। दोस्तों उम्मीद बहुत कम है कि ये वैकेंसी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।